गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। ये काका आ गए, काका आ गए। चलो दिखाती हूं। हाँ, अभी ऊपर ही आएंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। तो अभी जय श्री कृष्णा। सुबह के बजे 8:15 और अभी से हम लोग व्लॉग स्टार्ट करें क्योंकि आज हमारे काम वाले बहन आने वाले। तो वैसे हम सब लोग अभी जल्दी जल्दी फ्री हुए। अभी क्या है, खुद से ही काम कर रहे हैं तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो मतलब अभी वो डे हो गए। और यस, हमारे सावरकुंडला के जो रहने वाले थे 10 दिन, ये ठंडे प्रदेश में से अभी आए हैं। यस, मासी का प्यार अभी हमें बहुत सारा मिलने वाला है, तो थोड़ी देर बाद दिखाएंगे मासी ने क्या क्या भेजा है, आदिक भाई क्या क्या लाए हमारे लिए। नाओ मांड मांड मूड बने जे। कल थी 2 दिन में आपका भी ऑफिस चालू होने वाला है। सबको जो देखो अभी सबको बैक टू रूटीन। तो कैसा रहा आदिक भाई आपका ठंडे प्रदेश में? मस्त। दूधी का ही खिलाना कनिष। सब बातें बता रहा है क्या क्या हुआ इस 10 दिनों में। वाल कट करे बता रहा, तने रो रहे हो ने वाल कट करी ने। काका नो दा नगर तो नो कट करावा दे। कंप्लेन कर दे हो कनिष, सब कंप्लेन कर दे। मम्मी माती थी दीदी। तो अभी जो ठंडे प्रदेश वाले लोग हैं ना, वो पंखा चालू करके नाश्ता कर रहे हैं। हमें तो लगती है हम यहाँ पे ही है ना, इसीलिए नहीं मम्मी। हम तो रात दिन पंखा ही अभी चालू नहीं करते। रात को सब खुला होता है ना मम्मी, बंद कर दो, ठंडी है। एक वस्तु तमे नोटिस करी, हमें रात 12 वागे ने दिवस खाई ली, 12 वागे એટલે બધાને આઈસ્ક્રીમ ની ઈચ્છા થાય એટલે ત્યાંથી જઈ ખાવ, 18 કિલોમીટર થાય આઈસ્ક્રીમ ખાવા, હા રોજ જતા। देखो अभी आप वजन कर लेना, कांटा किधर गए, इधर ही रखा है। रोज आइसक्रीम खा दो तो काकड़ा में कहीं नोचू बोलो। हाँ, वरना आपको ठंडी में ठंडा में मैंने काकड़ा। वैसे बोला जाता है कि आइसक्रीम गर्म है, लेकिन हम लोग बेबी स्कूप खाई जाता तो एक कहीं होता। वैसे आइसक्रीम गरम रहता है। काजू कतली आइसक्रीम एक नंबर है। ले तू ओवन छोड़ूगा नहीं, खाए नहीं दोजे पास। ये सांधीडा का पेंडा लेके आया है हमारे लिए। ये जाने बोर्ड मारे हुए बाहर 100% शुद्ध, जो डुप्लीकेट निकले ना 10,000 रुपया पाछा। आया आपड़े आगर जाए ने खोडियानगर ने 1 लाख नु इनाम लिख्यो छे। मासी ने बहुत सारा मतलब सरगवा भेजा है हमारे लिए, स्पेशली मुझे और पापा को घर में बहुत ही पसंद है सरगवा। मैं सरगवा की सींगी सिर्फ खाती रहती हूँ, रोटली कम खाती हूँ और ये ज्यादा खाती है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है मुझे। हाँ, बहुत ही मीठा आता है मासी के घर का। कड़चू लागे, लेकिन मासी का घर का है ना वो एकदम मीठा आता है, तो मजा आता है। तो थैंक यू सो मच मासी, आपने हमारे लिए भेजा। और दादा के लिए गड़ो है जो बापूजी पता नहीं किसी दवा में पीते होंगे, और पापा के लिए दातुन है, और यहाँ पे चकुबेन के लिए भी थोड़ा सा रगवा डाल दिया है। इतना सारा अभी मासी ने भेजा है। तो मासी थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना बढ़िया सा। ये सावरकुंडला से जो बिहारी पाया ना उनके साथ आया, तो थैंक यू सो मच मासी हमें इतना सारा सरगवा भेजने के लिए। हाँ। और कानू यहाँ पे पढ़ रहा है। कानू क्या पढ़ रहा है? शेप पढ़ रहा है। सभी आ गया तुम्हें, दिखाओ मने मुझे क्या क्या है दिखाओ। अभी मम्मी कानू को एक नया भी आ गया है पता है, क्लैप करो कानू। ये डांस करो, डांस डांस केम करे कानू, डांस 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 डांस। ये वैसे हम लोग बोलते हैं बच्चों को टीवी नहीं दिखाना है, लेकिन बच्चे टीवी से ही ज्यादा सीखते हैं। हाँ, हम तो हमारे मतलब खाने पीने का काम वो सब लेके बैठ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे लोग अभी के टीवी में से ही देखते हैं। तो दिखाना अच्छी बात है, दिखाना है ना। हाँ, बहुत ज्यादा प्रमाण में नहीं दिखाना है, लेकिन दिखाना थोड़ा बहुत ही मजा आवे। हाँ, અરે ભણેશ્રી થવાનો છે, એનિમલ્સ ની
एनिमल्स वाली बुक जो थी ना वो एकदम कंप्लीट हो गए, अभी शेप वाली पढ़ रहा है ना कानू। यहाँ पे मम्मी ने बना दी है एकदम यमी वाली सरगवा की कढ़ी, जो इसमें सब कुछ सींग है ना वो स्पेशल मेरे लिए है, और कढ़ी है ना वो स्पेशल हार्दिक भाई के लिए। हार्दिक भाई से बात कर लेते हैं, अभी बहुत कुछ अच्छा अच्छा खा के आए है ना। हार्दिक भाई आज आपके लिए स्पेशल कढ़ी बनाई है। कढ़ी बनाई, मेरा मूड ऑफ हो गया। लसन वाली बनाई है। अरे लसन ने एमा सोनू नाखो तो नो भावे, कढ़ी भावती नहीं। तो पछी हार्दिक भाई कढ़ी कितनी हेल्दी वस्तु कहेवे, तो तुमने भावे એટલે તમને હેલ્ધી લાગે। ન્યા કેટલું હેલ્ધી હેલ્ધી ખાય ને ખબર તમને, દાબેલી ઓર્ગેનિક દાબેલી ખાતી, ન્યા કાઈ નડે જ નહીં, ઉંગળા બટેકા ખાતે એવું બધું ખાય, ઓન હેલ્ધી કહેવાય, બધું ઓર્ગેનિક કહેવાય એટલે ન્યા નડે જ નહીં કાઈ। કાંદા લસણ જ લઈ જતા, લસણ લેવા ગયા ને પ્રોગ્રામ માટે, પંચકૂટી દાળ બનાવી ત્યારે પેલા ભાઈ કે પપ્પુ કે વ્હાઈટ સોનું આપો, વ્હાઈટ સોનું નથી કે પૂરું થઈ ગયું, લોકો સુરત થી જાતે કિતના મમ્મી ડીકી ભર ભર કે જાતે તો ભી ખૂટતા હી ખૂટતા હૈ, હમારે સુરતી લોકો કો ખાને કા શોક હી ઇતના હૈ ના, જીતના ભી લે જાય ભૂખે કે ભૂખે રહેતે હૈ। કાંદા લસણ લઈ જાય ને તો ઘણો સારું પડે સુરત થી, તો કભી કભાર કભી કભાર ચકુબેન નહીં ટમેટા યા સે વાં વેચતે વેસા કુછ કભી કભાર હો જાતા હૈ। और मम्मी आप थोड़े टेंशन में लग रहे हो। थोड़े ले ज्यादा क्या हुआ है वो माजे आया था कल ये ऐसी नहीं थी आया। कल वो हर खाई गया ना तो नजर लगी गया ले बात पूछ मां अब तो बद्दू काम रहे के बाकी शांति की उठावे उठावेला हां उठावेला हां पर ताकर दिन आ के रोज रोज हम जल्दी सुबह सुबह जग जाते थे मतलब उठ जाते थे क्या काम है चढ़ी जाए। हां अभी थोड़े दिनों से हम अपने हाथों से कर रहे थे तो अभी वो टेव पड़ गई सुबह सुबह चलने की, हाँ आदत हो गई, तो आज हम उठे भी जल्दी लेकिन सब कुछ आराम से इतना किया तो अभी बच गए 11:30 और हमारा सब कुछ काम अभी पड़ा हुआ बिखरा पड़ा हुआ है। खाके तो बहुत आलस आती है। आई होप कि हमारा जो हरक है वो पानी में ना जाए। हार्दिक भाई तुमने खबर हमारे पूछो तो खरा हमारे समाचार, मैं तुमने कितना पूछा आप मुझे तो, काय पूछो दीदी हूं पूछो कितनी मजा आई तो आप तुमने कितना मजा आई लियो पूछो तो पूछो रोज दा रोयल काम वाले बोती तुम क्या कर दो ना। हां खाली गया ना पण हार्दिक भाई एक लेके आनी थी आपको तो जी गुड आफ्टरनून फ्रॉम द जयपुर एयरपोर्ट, हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं, हाउ आर यू ऑल डूइंग। कॉफी वॉफी लपेट के निकल रहे घर पे। आज के व्लॉग में आप लोगों को थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट मिलेगा क्योंकि सारिका को और घर वालों को सबको ऐसा है कि मैं 7 तारीख तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप काम पे हूँ, बट द थिंग इज मेरे को 2 दिन का कैंसलेशन आया है। उसमें ये है कि ब्राइड साइड का कुछ हेल्थ इश्यू है तो उन लोगों ने वो इवेंट पोस्टपोन किया है, तो मैं अभी घर पे जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, तो देखते हैं अभी घर पे जाके उन लोगों को कैसा लगता है। फिलहाल के लिए तो कॉफ़ी लपेटेंगे और फिर चाहेंगे। तो जी पहुँच चुके हैं सूरत के एयरपोर्ट पे। हमारा एयरपोर्ट थोड़ा नया हो गया है ना, ज़्यादा कुछ चेंज हो रहा है, पैसे सबसे ज़्यादा इधर आने वाले ऐसा लग रहा है, बिजनेस अच्छा बना दिया। अभी तो मेरे को लगता है टर्मिनल भी ऐड कर देंगे एक आध ज्यादा। हाँ ये देखो ये बोर्ड सब नया चकाचक डोमेस्टिक अराइवल, वाह क्या बात है। जैसे ही आप आते हो ना तो ये जो बोर्ड है मैंने लगा दिया है कि यहाँ पे टर्मिनल है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, टॉयलेट है, ये है वो है, तो ये अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे हमारा बैग आने वाला है, 2 ही पट्टे, एक और एड हो जाए तो मजा आ है क्या कब से वो देर लगेगा भाई थोड़ा जी। तो जी ये है हमारे सूरत के एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा, बहुत ही चाका जाम बदल डाला है, मेरा टायर फंस गया है बट डिपार्चर है, यहाँ पे अराइवल है, सो पब्लिक गुड नाइस आई लाइक इट। टाइम टू टाइम जाता जाएगा ना तो मुंबई के एयरपोर्ट से बड़ा हो जाएगा ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, बहुत बड़ा भाई सूरत का एयरपोर्ट बहुत बड़ा। विजिटर पार्किंग ओला उबर का भी बोर्ड लग चुका है, वेरी गुड। हाँ आ तो VIP लोगों मटे ना,
अच्छा हाँ ड्रॉपिंग ड्रॉप ऑफ ड्रॉप टैक्सी हाँ ये बनी जैसे भाई धीरे धीरे। सूरत हवाई मथक और ये डिटेल देखो भाई क्या खा जाम डिटेल। और ये A1 और A2 अराइवल यहाँ पे लग चुका है, दिस इज डिफरेंट पार्ट, ये वाला पार्ट हाँ यहाँ से पूरा डिपार्चर होगा और यहाँ पे पूरा अराइवल होगा ऐसा है। ये दर्शना बेन की सीट है, हाँ दर्शना बेन की सीट है, वो उधर ऐसा काला काला हो गया और है। ये और ये CR पाटिल साहब का है, चक्का चक्का काम दो। दर्शना बेन देख रहे हो तो अच्छा करा दो अपना सीट। हाँ CR पाटिल अपना अच्छा करवा रहे, 2 तारीख को हम आएंगे। हाँ 2 तारीख को वापिस आएंगे और देखेंगे। झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, वेरी गुड सनसेट फ्रॉम सूरत एयरपोर्ट, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। चाका जाम्बो फाइन BMW लोग कलर ब्रो, माँ भाई ले वालो है माँ भाई, ओ माँ गॉड चाका जाम हो गया भाई, भाई कवर नव लावे लो, थैंक यू सो मच ब्रदर। सो रहा था, सो के उठ के आ गया, सूरत में पैसा लेने लग गया क्या? 4 रुपए लीधा भाई, हेलो नहीं लीधा फ्री, 8 मिनट फ्री, सर एक अलग नहीं है, आधा घंटा नहीं है, 8 मिनट बोर्ड में लगा हुआ। ओके 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 ओके, तो गाइस 8 मिनट के लिए फ्री है, 8 मिनट के अंदर अगर आप लेके जाओगे किसी को आके तो पैसा नहीं, उजोज लाम बटन ले जे। और चलिए गाइस, तो अभी ये है कि मैं सरप्राइज देने वाला हूँ घर पे, किसी को भी पता नहीं है कि मैं आया हूँ। भाभी एम कही नहीं हो, राउंड मारो सर, असलियो वेरी गुड, तो राउंड मारने के आ चुके हैं भाई हमारे। और सूरत का एयरपोर्ट बहुत बढ़िया लग गया है, तेरे क्यों लगे सूरत एयरपोर्ट जोरदार? अंदर तो एक रील जोई थी मैं आपको, नो लाइटिंग वालों थी क्यों? हमको लगा हम थोड़ा सनसेट बनाए हो के नहीं बनाया बनाया, हमको ऐसा लगा सनसेट के टाइम पे आएंगे हम, बट थोड़ा जल्दी आ गए वापिस आएंगे। देखिए भाई स्मार्ट सिटी सूरत, चलिए घर पे मिलते हैं फटाफट। कैंसल थियो બે દિવસ નું, બે દિવસ જ ઘરે આવે, કાનો કાનો ડેડી શું ડેડી પ્રાઇસ યે ડેડી આ ગઈ जयदीप घर पे इसीलिए आए कि कनिष्क अपने पैरों पर चलने लगा है वो देखने के लिए। Exactly. एक दिन के लिए जयदीप इतना धक्का नहीं खाते एक दिन के लिए। કાનુડી મોટો મોટો લાગે છે, દિક્કત હેન્ડ વોશ કર લો, ફેસ વોશ કર લો। જેદી પે વાલા મોમેન્ટ ઇતના મિસ કર રહે થે ના, મેરે કો યે લાઈફ મે સબસે બેસ્ટ કે ટાઈમ પે મેને એસા નહીં કિયા, વો મતલબ ઉસકા અલગ થા ચલને કા, બટ ઇસકા બહોત અલગ હે, સો હેપી યે। અબ નવ યે આવડે જો એને કયો ને ક્લેપ કરવાનું તો ઈ ક્લેપ કરે, કનિષ ક્લેપ Yeah. बाप बेटे का खत्म हो गया, अभी बाप बेटी का चालू हो गया, वो देख रहा है यहाँ पे। हर हर वक्त तेरे को सरप्राइज कैसे मिलेगी बेटा? आपको लाना था ना वो स्कूटर बैग, मुझे मिला नहीं बेटा, मैं ट्राई किया पर मुझे मिला नहीं। अच्छा हुआ नहीं लाए, वो मिलेगा तब लेके आऊंगा, है ना? अच्छा हुआ आपने बोला। बहुत खर्चा करवाती है तू, येजू बहुत एक्सपेंसिव है, बट हाँ मेरी फेवरेट भी है। ये बिचारा येजू के कपड़े पहन के बड़ा हो रहा है। तेरे लिए मैं लेके आऊंगा, है ना बेटा, प्रॉमिस। नहीं लाना है, लाना है हाँ। यस। और मम्मी जब आप गए थे ना वहाँ पे तभी मम्मी का वाग था ना, तभी मेरा वाग आ रहा था। का वाग था तेरा क्या? उसका वाग आ रहा था तो उसका वाग मेरी ऊपर सब था। पर वाग क्या था मम्मी का? जो भी है वो, पर उसका वाग बताए वो भी मेरी ऊपर। कौन वाग? मतलब क्या वाग था? मम्मी ने क्या किया था तो वाग था मम्मी का? वाग नहीं होता बेटा, वाक होता है। वाग वाग क्या वाग था मम्मी का? वो मम्मी बात रही थी ना तो वो झूठ बोल रही थी, कुछ नहीं डांटी, कुछ नहीं वाली, कुछ अभी कहीं पे भी आप जाओ ना इसके लिए कुछ नहीं लाना है, लाना है सब कुछ खत्म, लाना है लाना है। चल एक आत्मा कनिष्ठ ने तेरे, चलो आ जाओ, चलो कनिष्ठ, चलो कनिष्ठ, चलो ये। तो हार्दिक भाई की तो आते ही ड्यूटी चालू हो गई। हार्दिक मेरे को लेने कोई नहीं है, पर मैं हार्दिक भाई मैंने कितनी बार आपको फोन किया, मैं आऊ आपने ना बोला। हाँ मेरे दो अनमोल रतन, आप दोनों भाई है ना ठंडे
तो आप इसीलिए आ गए कि जेदी पाने वाले थे इसीलिए आप आ गए। तो आज सुबह सुबह कल फोन आ गया था। अच्छा मैं आने वाला हूँ। उधर ले जा, उधर नहीं, इसका इसका मुंह देखो। ए कनिष्क, कनिष्क तो आपने सुबह सुबह दोपहर इशारे में बात की मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। मम्मी ने बोला वे बता के बिना तो जाता नहीं है। घर पे किसी को बताना मत, तो मैंने नहीं बताया। अच्छा जाए नहीं क्या, बहुत दिनों से डब्ल्यू बंद थी था, निकालनी पड़ेगी। कोई नहीं, इसीलिए हार्दिक भाई लेके आए तो सरप्राइज लेके आए हमारी। अच्छा चार वगे मैंने, हाँ मैंने बोला मैं हार्दिक भाई इतनी जल्दी निकल, पता नहीं दोपहर को नींद आ गई। नींद आ गई तो भाई का फोन आया 3:30-3:15 बजे। अच्छा मैं निकल रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं आधे घंटे में निकलता हूँ। 4 बज गए, नींद आ गई। इसलिए जयदीप मैं बोल रही हूँ मुझे गाड़ी सिखा दो, मैं आपको लेने आऊंगी। ओके तो लेन साफ करना तो भी बहुत है, ब्लर आता है पूरा। मम्मी दांत काढो, मालियो मारो हसवा में काटी नाख्यो ए छोकरा वाला ने એવું જોઈએ। મેને પોતો મારી સવારે સાફ કરી દીધો। હા આજ મે આજ મેરા ફોન ઇતના ક્લીન થા, મેને દો બાર દેખાય મેરાય હે ના। તો આજ અભી આપને મમ્મી કા મમ્મી કો પૂછા મમ્મી કી ચેનલ કે બારે મે। ઓ માય ગોડ મમ્મી તેરી ચેનલ ચાલુ હોય, કોંગ્રેચ્યુલેશન પહેલે તો। બટ યે મેરે કો ઇધર હોના ચાહીએ થા, તબ તુને તેરે કો ઉતાવળ ઇતની હોતી હે ના હર ચીજ કી। મુજે થોડી પતા થા આપ 2 દિન મે આ જાઓગે, મુજે તો લગા આપ 8 તારીખ કો હી આવોગે। ઇસલિયે અભી મે इसलिए आया हूँ, बहुत सारी चीजें करनी है एक दिन के अंदर। पहले तो तुझे मेरे को तुझे वो मेरा जो कैमरा है ना वो सिखाना है, कैमरा के अंदर ब्लॉग करना सिखाना है। मेरी एक दो मीटिंग है वो फिनिश करनी है, बैंक का काम है, अकाउंटेंट का काम है, और मेरा जो धंधा करके आया हूँ उसका एडिटिंग का। तो ये एक दिन के अंदर सब करना है, तो कल के दिन में बहुत सारा अच्छा अच्छा आपको मैं सारिका को कैमरा का नॉलेज दूंगा, वो दिखाने में आएगा। यस और मैं भी बहुत, हमारा भी एक्टिक जा रहा है, दो दो चैनल एक साथ हैंडल नहीं हो रही है, इसीलिए और कैमरे में थोड़ा ब्लर जा रहा है, ऐसी कमेंट आ रही है। तो नया कैमरा ये तो जयदीप हमें दिलवाएंगे नया कैमरा, नहीं मम्मी? तो मम्मी तो मुंह अपाई। इतनी सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए, टाइम कम है, वही अच्छी बात है। नहीं लोगों के पास काम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, वही अच्छा है। अच्छी बात है ना मम्मी? दो चैनल नहीं, 4 चैनल है आपकी, ट्रैवल की, मम्मी की, हार्दिक भाई की। ओके बेटा खेल तो खेलते होता है। चलो तो अभी मम्मी ने बहुत सारे नुस्खे अपनाए, अभी ये लास्ट नुस्खा है जो मधु और आदू चाटने का है, हो जाए तो हो जाए। अच्छी हो गई थी, एक दिन में तो बहुत फर्क पड़ गया था। तो क्यों दूसरे दिन मालूम नहीं, दूसरे दिन गुदर पक खाया था इसीलिए बढ़ गई। हाँ दवा भी काम नहीं करती, गाय खाया था 1-2 गुंदर पाक, लेकिन अभी भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो बात भी है, थोड़ा ज्यादा बना देना, कनिष को भी चटा दूंगी। हाँ। वो उसको भी थोड़ी खांसी ज्यादा आ रही है, और यहाँ पे बन रही है हमारे दोनों भैया के लिए चाय। तो बस वीडियो का एंड यहीं पे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे घर पे आने वाले हैं चकू बहन, उनके हस्बैंड, उनका लड़का, वो सब हम गेट टुगेदर करने वाले, खाने पीने खाने वाले हैं, घर पे बनाए बाहर जाए वो भी डिसाइड है नहीं, लेकिन बहुत एंजॉय करने वाले हैं वो डिसाइड है। तो आज का वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज जल्दी जल्दी। कल का व्लॉग आपके चहेते ब्लॉगर बनाएंगे जयदीप पटेल, तो कल भी आना ना भूले। मिलेंगे कल, बाय बाय।